हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी का हलवा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है और एकदम झटपट बनता है। तो इसके लिए मैंने करीब 600 ग्राम लौकी यहाँ पर ली है, जिसको अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है। और इस तरह से हम इसके जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे। यहाँ पर इसके छिलके निकाल लिए हैं और जो लौकी है उसको दो पीस में हम कट कर लेंगे और इसको हमें ग्रेट करना है। बीच का जो पार्ट है हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसका बाहरी पोर्शन हमें ग्रेट करना है। इस तरीके से हम ग्रेट कर लेंगे। मोटा ग्रेटर आप यूज़ करिएगा, उससे टेक्सचर अच्छा आता है। ये हमने ग्रेट कर लिया है। अब हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच हम घी ऐड कर देंगे। घी को अच्छे से हम गर्म कर लेंगे और जो लौकी है उसका जो पूरा पानी है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से दबा कर निकाल दिया है, जितना निकल सकता था। अब इसको हम घी में ऐड कर देंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि लौकी का जो पानी है वो पूरा सूख ना जाए और वो घी में थोड़ा हल्का फ्राई हो जाए। इसको अच्छे से हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे तले पे लगे ना। अब मैंने यहाँ पर करीब 1/2 लीटर से ज़्यादा मैंने यहाँ पर दूध लिया है, क्योंकि हम खोया यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दूध मैंने ज़्यादा लिया है। आप अगर खोया यूज़ कर रहे हैं तो इतना दूध लें जितने में कि लौकी गल जाए। तो यहाँ लौकी ने पानी पूरा सूख किया है लौकी का। अब जो दूध है वो गर्म हम इसमें ऐड कर देंगे। दूध गर्म बॉयल करके और लौकी का पानी पूरा सूखा के घी में फ्राई करेंगे और उसके बाद दूध डालेंगे तो आपका जो दूध है वो जो फट जाता है वो कभी नहीं फटेगा। इस तरह से आप डालेंगे तो दूध नहीं फटेगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर करीब 1/2 कटोरी मलाई यूज़ की है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं यूज़ करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ढककर नहीं पकाएंगे, हम ऐसे ही खुला पकाएंगे क्योंकि दूध अभी पतला है, तो अगर ढकेंगे तो ये उफान आएगा, गिर जाएगा दूध बाहर। तो जब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, इसको हम खुले में ही पका लेंगे। ये दूध हमारा यहाँ पर उबल रहा है, हमारा दूध यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है और देखिए ये दूध हमारा फटा भी नहीं है। इसको हम थोड़ी देर तक और पका लेंगे, जब तक कि ये थोड़ा और गाढ़ा ना हो जाए। ये थोड़ा और गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज करती है, तो हम इस स्टेज पे डालेंगे और दोनों को साथ में पका लेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में। चीनी मिक्स हो चुकी है, अब इसको जब तक पकाएंगे तब तक कि चीनी का पानी और जो दूध है वो दोनों ही इवापोरेट ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है, जिसको मैंने कूट लिया है। इससे अच्छा फ्लेवर और एक अच्छी खुशबू आती है हलवे में। ये हमारा यहाँ पर जो हलवा है उसका जो दूध है और चीनी है वो दोनों इवापोरेट हो चुके हैं, गाढ़ा हो चुका है हमारा हलवा। अब इस स्टेज पे हम हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ ग्रेटेड कोकोनट लिया है, नारियल, किशमिश, बादाम और कुछ काजू। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में। ये हलवा बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। हलवे ने घी भी रिलीज कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत डिलीशियस लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में सबको बनाकर खिलाएं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।